कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों की मदद के लिए सबसे पहले टिहरी एसएसपी द्वारा शुरू किए गए अभियान मिशन हौसला को बाद में पूरे उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया और रात दिन लोगों की हर संभव मदद की, जिसकी पूरे देश में तारीफ की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब अस्पतालों में जरूरी चीजों की कमियों से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने हर उस जरूरतमंद तक जरूरी सामान से लेकर दवाइयां, इंजेक्शन, हर प्रकार की मदद का जिम्मा उठाया और उसका बखूबी निर्वहन किया। बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाकर उनके नंबर जारी किए गए। अब प्रदेश में कोरोना मामलों में काफी कमी आई है और हालात सामान्य हो रहे हैं। कोविड मामलों में कमी आने के साथ मिशन हौसला में आने वाली कॉल्स में भी कमी आई है। ऐसे में अब मिशन हौसला समाप्त किया जा रहा है, पर अभी भी कंट्रोल रूम चलते रहेंगे और पुलिस द्वारा सहायता भी की जाती रहेगी। उत्तराखंड पुलिस ने 1 मई से जो है मिशन हौसला की शुरुआत करी थी, जिसमें उस समय एकदम लगातार जो है पुलिस में जो स्टेट कंट्रोल रूम है इसमें बहुत तेजी से जो है डिस्ट्रेस कॉल मदद के लिए आने लगी थी 2-3 दिन से। तो लगातार हमने जो है एक निर्णय लिया पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने कि इसमें जो है कंट्रोल रूम, स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए, हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए। तो ऐसे सारे जगहों पर जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो है हमारे हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, एक सिस्टमेटिक हमने मैन पावर डिप्लॉय की, उस पर कंट्रोल रूम बनाए गए। जैसे देहरादून में भी लगभग 50 से ऊपर जो है वो हमारे पुलिसकर्मी बैठते थे, कॉल सेंटर्स के माध्यम से कॉल रिसीव करते थे और कॉल्स जो है हमने थानों को उसमें नोडल सेंटर बनाए थे, जो कि एक्चुअली जिनको कार्य करना होता था तो वो मौके पर जाकर लोगों को, जैसे कई जगहों पर बेड दिलाने में राहत दिलाना हो या दवाई देनी हो तो होम डिलीवरी करवाई, कई सारी चीज़ों की हमने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, दवाई की हो, बहुत सारे एम्बुलेंस लोगों के घरों तक पहुंचाई। तो ऐसे कई इसमें जहां जहां पब्लिक को सहायता की ज़रूरत थी वहां वो ज़रूरत पुलिस ने दिलाने में मदद करी। तो बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 1 मई 2021 से मिशन हौसला प्रारंभ किया गया था। मिशन हौसला के तहत इस 1 माह में पुलिस सहायता के लिए कुल 31,815 फोन कॉल्स प्राप्त हुई, जिन पर कार्यवाही करते हुए कुल 2,276 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, 792 लोगों को अस्पताल में बेड, 217 लोगों को ब्लड डोनेशन, 17,609 लोगों को दवाइयां, 600 लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा दिलाने में मदद की गई। साथ ही 94,484 लोगों को राशन, दूध व कुक्ड फूड, 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार और 5,252 सीनियर सिटीजन से संपर्क कर उनकी सहायता की गई। बहुत से सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर मिशन हौसला को सहयोग किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।